भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूजीसी पर क्वेश्चन आते हैं, हम वेरी सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे। इस वीडियो के बाद भी जो वीडियो आएगी उनके डिफिकल्टी लेवल और उनके डिफरेंट डायमेंशंस उसमें कवर की जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे दीक्षारंभ प्रोग्राम है इनका, है ना, केयर लिस्ट है यूजीसी की, और भी कई जो टीचिंग लर्निंग के प्रोग्राम या इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको अलग से लेकर छोटा सा कंसेप्ट और साथ में एमसीक्यू आएंगे। इस यहाँ पर हम सिंपल जो जैसे बीएड एंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी इसको फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज यूजीसी स्टैंड फॉर, वेरी इजी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर फिर भी मैं लगा देता हूँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, कमीशन को याद रखना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यहाँ बी इज राइट आंसर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अच्छा ग्रांट्स से ये याद रहेगा कि इसका काम फाइनेंशियली मेन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो मेन है उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करनी है। विच मिनिस्ट्री इज यूजीसी अंडर इन विच इंडियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, पहले HRD मिनिस्ट्री थी, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये अलग से क्वेश्चन बन रहा है, पॉलिसी जब बनी है नेचुरली गवर्नमेंट चेंज थी, जब 86 की पॉलिसी, जब 1986 की पॉलिसी जो राजीव गांधी जी ने बनाई थी उन्होंने नाम रखा था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब मोदी जी की आ गई है तो 2020 की नेचुरली है उन्होंने बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया है। ये चेंज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, यहाँ पर राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्योंकि प्रेजेंटली ये नाम है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ यूजीसी, हिंदी में भी है इधर, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, एक्रीडेटिंग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, फंडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, रेगुलेटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करने की ड्यूटी NTA की है। डिफरेंट क्वेश्चन ये बनता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, और एक्रीडेटिंग ये NAC का काम है, NAC, ओके, और फंडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, यस ये है यूजीसी का लेकिन ये बहुत छोटा पार्ट है, टोटल है रेगुलेट करना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, सी इज राइट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है, यूजीसी प्रोवाइड ग्रांट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ये चौथा क्वेश्चन है, पहला है यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करती है, दूसरा है कॉलेज को, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज को है, तीसरा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को है, ऑल ऑफ द अबव है, तो हम ये ऑल ऑफ द अबव को सिलेक्ट करेंगे, उपरोक्त सभी सभी को ये प्रोवाइड करती है, मेन यूनिवर्सिटीज कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। यूजीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, ये बड़ा ही डिफिकल्ट और बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, दैट इज वाई तीन क्वेश्चन मैंने डिफरेंट बनाए हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि एस्टेब्लिश कब हुआ, ये वर्ड पढ़ लेना है लेकिन ये भी गलत यूज किया जा सकता है, तो यहां पर है 52, 53, 54, 55 को चूज करना है आपने, तीन ईयर चूज करने हैं, एक तो 45 अगर ये, अगर 53 है ये, और तीसरा 56, ये एक्ट पास हुआ था, यहां अगर स्टेटरी स्टेटस पूछा जाए तो 56 आंसर होगा, अगर एस्टेब्लिशमेंट है तो 53 होगा, अगर इनिशियल लेवल पर एस्टेब्लिशमेंट है तो ये ऑप्शन नहीं है, तो 45 को इंडिपेंडेंस से पहले जो के ब्रिटिशर्स ने यूनिवर्सिटीज की देखरेख के लिए यूनिवर्सिटी कमेटी बनाई थी, इसका नाम कमेटी था तब, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, तो ये रहा यहाँ पर राइट आंसर क्योंकि हमारे पास 53 है, ये चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पजल करने के लिए था ये रहा ऊपर सिक्स्थ क्वेश्चन, इधर भी सिक्स्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास 53 नहीं है, दैट इज वाई 56 नहीं है, 56 है भाई इसलिए 56 को चूज करेंगे क्योंकि बेस्ट आंसर यही होगा, एक्ट तब पास हुआ था, कानूनी दर्जा 56 में मिला था,
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश, है ना, सेम स्टेम है लेकिन ऑप्शन डिफरेंट है। यहां पर क्या है कि ना 53 है ना 56 है, अब 45 है। ये ब्रिटिशर की बात है, यहां पर यूजीसी की नींव रख दी गई थी, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है 8th, इधर भी कर लें 8th, साथ में ही है। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूजीसी, मेरे ख्याल में क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आंसर बता दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यूजीसी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट पूछा गया है। देखिए यूजीसी ग्रांट कमीशन है तो ग्रांट तो देगी, ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू यूनिवर्सिटी, हाँ ये भी करना है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स ये भी करना है, फॉर टीचिंग रिसर्च एंड एग्जामिनेशन ठीक है, कंडक्टिंग नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम, ये एनटीए ने करना है भाई, ये एनटीए ने करना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप, हाँ बिल्कुल, जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, रिसर्च कई तरह की ये फेलोशिप दे रही हैं, है ना, स्टूडेंट्स साथ साथ में पढ़ते हैं, जैसे जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं यूजीसी नेट, उसके बाद रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटी में, उनको साथ साथ में हर मंथली जो है फेलोशिप मिलती है। हाउ मैनी रीजनल ऑफिसेज डज यूजीसी हैव इन इंडिया, सिंपल क्वेश्चन है, एक हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में ठीक है, और लेकिन न्यू दिल्ली में है, 6 जो हैं इनके रीजनल सेंटर हैं, तो अब यहाँ 6 नहीं है, देखिए क्वेश्चन कैसे है, तो 6 नहीं है तो ये हेडक्वार्टर मिला के 6 मिला के 7 मिल गया, इसलिए हम 7 को राइट आंसर चूज करेंगे। नेक्स्ट है ये रहा, अच्छा हाँ ये लर्न कर लीजिए कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं इसका बनाया, इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, मेरे ख्याल में हिंदी में भी यहाँ पर देख दूँ, हिंदी वाले भी यहाँ पर देख लेंगे ये, है ना, ये तो हो गया नई दिल्ली, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली मैंने बोल दिया, एंड इट्स 6 रीजनल सेंटर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पीछे 7 उत्तर का था, अगर 6 है तो 6 उत्तर देना है। अब कहाँ कहाँ है ये पूछा जा सकता है कि कौन सी सिटी जो है रीजनल ऑफिस या सेंटर उसका नहीं है यूजीसी का, यहाँ पर हमारे पास है पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। मैं इसे याद कैसे करता हूँ, मैं इसे याद ऐसे करता हूँ, भोपाल जी कोलकाता चले गए कि नहीं, है ना, कोलकाता चले गए कि नहीं, सेंटेंस लिख दिया, तो भोपाल हो गया याद, और यहाँ से हो गया बेंगलोर, बेंगलोर ओके, लिखना है ऐसे, एच से मैंने लिख लिया हैदराबाद, हैदराबाद ओके, सोना सोना करके लिखोगे याद रहेगा, और पी से लिख लिया मैंने पुणे, है ना, जी से लिख लिया गुवाहाटी, चलो हाटी ऐसे लिखता हूँ अभी, पूरा लिख लेना, तो कोलकाता है ही है। तो ये 6 के 6 याद हो गए कहाँ हैं, ऐसे याद रखे जा सकते हैं, इन ये मेमोरी स्ट्रेटजी है, इनको ऐसे ही याद रखना होगा, कोई और एसोसिएशन आप कर सकते हो, जोड़ सकते हो। अच्छा 11वां क्वेश्चन है, यूजीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एट विच लेवल ऑफ इन इंडिया, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, हम यूनिवर्सिटी को जल्दी से टिक करेंगे, है ना, कईयों को पता लगेगा कॉलेज है, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिलके हायर एजुकेशन बनती है, दैट इज वाई उच्च शिक्षा, ग इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूजीसी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट नोन एज, मेरे ख्याल भी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट, ए इज राइट आंसर। यूजीसी वाज एस्टेब्लिश विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, हिंदी में ये है, प्रमोटिंग रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट, बिल्कुल ठीक, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स, ये मैंडेट में भी आते हैं ना, प्रमोटिंग रिसर्च ये हो गया, और फाइनेंशियल ये हो गया, और मेंटेनिंग स्टैंडर्ड, मैंने 3 ऐसे लिखे हैं, ऑल ऑफ द अबव को राइट आंसर लगाएंगे। ये सीरीज इजी की चल रही है लेकिन ये कंट्रीब्यूट करेगी बाद में डिफिकल्ट में भी। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यूजीसी जो 53 में देखिए बना था, 53 में पहली बार है ना, 56 में एक्ट पास हो गया था, है ना, तो उससे पहले ब्रिटिशर ने 45 में किया था,
कमेटी बनाई थी यूनिवर्सिटी ग्रांट की, तो उसके बीच में राधा कृष्णन कमीशन जो बैठा था 48 में, है ना, उसने रिकमेंड किया था कि यूनाइटेड किंगडम की लाइन पर हमें यूजीसी को एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट चेयरमैन भी इसलिए वही बने, राधा नंदन नहीं है, राधा कृष्णन है, ठीक है, टीचर्स डे आपको याद ही होगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टीचर्स डे किसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही उसका उत्तर होगा। यूजीसी इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, ओखा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। यूजीसी एक्ट वाज अमेंडेड इन द ईयर ऑफ, ये डिफिकल्ट है, 2002 इसका उत्तर है। नेक्स्ट हिंदी में भी इधर कर दे, 16वां कब पास हुआ, ये रहा 2002 में। नेक्स्ट है द अमेंडमेंट ऑफ टू यूजीसी एक्ट 2002 गेव द यूजीसी मोर पावर इंक्लूडिंग द अथॉरिटी ऑफ, क्या पावर उनको मिल गई थी, सेट अप न्यू यूनिवर्सिटी अब एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी यस कर सकते हैं, रेगुलेट फीस ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसे बढ़ाई जा रही है फीस, लेकिन उसको कंट्रोल करना है यूजीसी ने, दैट इज वाई ऑल ऑफ अबव इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। यूजीसी इज नॉट, यूजीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ ग्रांट टू यूनिवर्सिटी अंडर वेरियस स्कीम इंक्लूडिंग, यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, ये रहा यूजीसी निम्नलिखित सहित विभिन्न योजनाओं के तहत विश्वविद्यालयों में अनुदान संवितरण बांटना है, जो है ना के लिए जिम्मेदार है, रूसा, हाँ रूसा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये अलग से क्वेश्चन है, बीएड एंट्रेंस टेस्ट वालों, एंट्रेंस टेस्ट और भी कोई हो सकता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसकी फुल फॉर्म यहाँ याद कर लीजिए, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, यूजीसी रिसर्च फेलोशिप, तो ऑल ऑफ अबव यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी इन इंडिया, पहले इसकी बात हो चुकी है, राधा कृष्णन कमीशन, यही उनके पहले जो चेयरमैन थे यूजीसी के। लास्ट क्वेश्चन है, यूजीसी एक्ट प्रोवाइड फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन, ये दो शब्द बार बार आएंगे जब मैंडेट आप इसका पढ़ोगे, है ना, कोऑर्डिनेट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन यूनिवर्सिटीज थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एकेडमिक काउंसलिंग, एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग, प्लानिंग बोर्ड, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है, यहाँ लिखा भी है। सो ये था यूजीसी के बहुत ईजी इनिशियल लेवल के क्वेश्चन, नेक्स्ट और इनके पार्ट पर, किसी एजुकेशनल प्रोग्राम पर, इनके इनिशिएटिव पर भी होंगे, और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।